इस वीडियो में आरआरबी जेई का जो नोटिस है ऑफिशियल आप देख सकते हैं, इसमें पूरा क्लियर हो गया कितनी क्या सीटें रहेंगी। और जैसे कहा था सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भर्ती नहीं है इसमें, क्योंकि वो प्रमोशन बेस पे भरी जाएगी। इसमें एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, पूरा इस ऑफिशियल नोटिस में हम बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए लास्ट डेट क्या रहेगी इसकी, 31 जनवरी 2019 इसकी लास्ट डेट है। भर्ती किसकी होगी, जेई की, जेई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है जूनियर इंजीनियर में जो कंप्यूटर साइंस है, जिनका डिप्लोमा है, जिनका इंजीनियरिंग है, वो लोग एलिजिबल है इसके लिए। ठीक फ्रेंड्स, आइए फर्दर बात करते हैं पोस्ट के लिए। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की है 13034 है ना फ्रेंड्स, 49 जो वैकेंसी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है, और डीएमएस की है 456 और सीएमए की है 494। टोटल 14,000 वैकेंसी अराउंड आपकी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, एज देख लीजिए। अगर आपकी एज 1 जनवरी 2019 को 18 से 33 साल है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 जनवरी 2019 को आपकी एज काउंट होगी। फर्दर इसका पे स्केल देख लीजिए, 35,000 अराउंड इसका पे स्केल रहेगा। अब इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन एलिजिबल रहेगा। सबसे पहले डिप्लोमा और डिग्री, अगर आपके पास इंजीनियरिंग है, बीई है, बीटेक है, तो आप लोग जो जूनियर इंजीनियर है उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। जो सेकंड है डीएमएस के लिए, अगर आपके पास सेम जो रहेगा वही रहेगा, बीटेक, ठीक है, डिप्लोमा है, पॉलिटेक्निक है आप लोगों का, इंजीनियरिंग से हैं आप लोग, तो टेक्निकल डिग्री है, तो आप डीएमएस के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। बट जो जूनियर इंजीनियर आईटी के लिए, अगर आपके पास पीजीडीसीए है या बीएससी है, सीएस से, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, बीटेक है आईटी से, है ना, बीटेक है आपका कंप्यूटर साइंस से, या फिर आपका बी लेवल का कोर्स है 3 ईयर का, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल है फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, ये आप आरआरबी की जो साइट से यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे, और देखते हैं इस नोटिस में क्या दिया हुआ है, इसमें कितने रुपये का लगेगा आपको फॉर्म, पूरा दिया हुआ है, इसकी प्रोसेस क्या रहेगी देखते हैं। सबसे पहले इसका स्टेज देख लीजिए। सबसे पहले आप लोगों का क्या होगा, सीबीटी टेस्ट होगा। जैसा कि आप जानते हैं आरआरबी सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले रही है, जैसे कि एएलपी और डी ग्रुप का सीबीटी हुआ, आपका सीबीटी होगा। देन उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इसमें मेडिकल इतना टफ नहीं रहता इसका, जितना कि आप लोगों का जो एएलपी वगैरह का रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आप देखते हैं कि फ़ीस कितनी लगेगी। सबसे पहले आइए, जैसा कि आपने एएलपी और ग्रुप डी का पेपर दिया है, 500 रुपये आपको शुरुआत में लगेंगे और 400 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे, है ना फ्रेंड्स, जनरल कैटेगरी के लिए। और एससी एसटी और एक्स सर्विस मैन के लिए 250 रुपीज़ लगेंगे। जब आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगी तब आपके अकाउंट में 250 रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो फॉर्म है इन्होंने जो मेंशन किया हुआ है कैसे क्या भरना है, तो आप सबसे पहले डेट देख लीजिए, 2 जनवरी को आपका फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएगा भरना। ठीक है फ्रेंड्स, उसी टाइप से आरपीएफ का जो एक कांस्टेबल ट्रेड का आया वो भी स्टार्ट हो रहा है फॉर्म भरना, साथ में आपका जेई का फॉर्म भी भरा जाएगा। लास्ट डेट को ध्यान में रखिएगा, 31 जनवरी 2019। ठीक है फ्रेंड्स, 2019 जनवरी, है ना, 2019 में काफ़ी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है रेलवे ने। उसके बाद आप लोगों की एनटीपीसी का भी सुनने में आया कि इसके बाद जो है आपके एनटीपीसी नॉन टेक्निकल, गुड गार्ड और स्टेशन मास्टर, कई बच्चे उसकी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उसमें भी कई पद खाली हैं। सुनने में आ रहा है कि जूनियर इंजीनियर के बाद अब आपकी जो आपका आने वाला स्टेशन मास्टर गुड गार्ड का है वो भी आपका होगा। लेकिन मे बी वो शायद फॉर्म पहले भरा जाए और जो रिटर्न होगा वो चुनाव के बाद होगा, क्योंकि मार्च में चुनाव है, चुनाव के चलते ही इतनी भर्ती आ रही है फ्रेंड्स, चुनाव के बाद फिर मुश्किल है। तो आप इस भर्ती का पूरा फ़ायदा उठाएं। लास्ट डेट आपने देख लिए हैं, पेमेंट आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग थ्रू कर सकते हैं। 5 फरवरी से आपकी पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी, चालान वगैरह 4 फरवरी से। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल नोटिस है आरआरबी की, जो हर साइट पे है उस पे ये अपडेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिस आरआरबी की सभी साइटों पर स्टार्ट हो जाएगा। 2 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। टेक्निकल बुक्स ले लीजिए, है ना फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार आप जानते हैं जो सीबीटी का पेपर हो रहा है, थोड़ा प्रीवियस जो पेपर रहते थे उससे कंपेयर किया जाए तो थोड़ा टिपिकल आ रहा है। तो जो पहले जेई का पेपर होता था उससे डेफिनेटली थोड़ा डिफरेंट ही आएगा, तो थोड़ा डीप में पढ़िए फ्रेंड्स, है ना, ऐसे अपडेट पाने के लिए। जैसे ही पूरा मेंशन कर देगा आरआरबी साइट पे, आपको चैनल पे सब इन्फॉर्मेशन पूरी सबसे पहले मिल जाएगी, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों।